बागेश्वर में दलित युवती के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को पहले न्यायालय में पेश किया गया, जहां कोर्ट के आदेश के बाद उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अल्मोड़ा जेल भेज दिया गया। वहीं दूसरी ओर पीड़िता का मेडिकल कराकर उसे परिजनों को सौंप दिया गया है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को एक दलित युवती ने कोतवाली में तहरीर दी कि ग्राम भीड़ी निवासी उमेश तिवारी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने तहरीर में बताया कि आरोपी उसे हल्द्वानी, चेन्नई और हरिद्वार भी ले गया, जहां उसने कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं जब पीड़िता ने उसे शादी के लिए कहा तो वो शादी के लिए मना करने लगा। साथ ही पीड़िता ने आरोपी और उसके भाई पर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने का भी आरोप लगाया। वहीं पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने बिना देरी किए उमेश तिवारी और उसके भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और आज उसे जिला मुख्यालय स्थित ताकुला टैक्सी स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश किया, जहां न्यायालय के आदेश के बाद उसे अल्मोड़ा जेल भेज दिया गया। उधर युवती का मेडिकल परीक्षण करने के बाद उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं मामले की जांच कर रहे सीओ अंकित कंडारी ने बताया कि मामले में दूसरे आरोपी पर एससी एसटी का मामला दर्ज है। मामले की जांच चल रही है। कुछ दिनों पहले एक पीड़िता द्वारा एप्लीकेशन दी गई कि एक भीड़ी गांव के एक व्यक्ति है उमेश तिवारी, जिसके द्वारा उसको शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए, जिसके बाद उसे छोड़ दिया गया और इस संबंध में तहरीर दी गई। तो जिसमें जो पीड़िता थी वो एससी समुदाय की थी और जबकि व्यक्ति जनरल समुदाय का है। तो इसके हमारे कोतवाली में 42/24 एफआईआर लिखी गई, जो तीन धारा आईपीसी 376 और 504, 506 और एससी एसटी एक्ट के तहत लिखी गई। और चूंकि यह घटना 30 जून से पुरानी, 1 जुलाई से पुरानी थी, तो आईपीसी के तहत इसके धाराओं में ही मुकदमा लिखा गया था। इसके बाद कल दिन में इस व्यक्ति को तहसील के पास कोतवाली पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और इसे आज कोर्ट के समक्ष रिमांड के लिए। बहरहाल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे देवभूमि में भी ये घटनाएं पैर पसार रही हैं। प्रशासन को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और जो भी दोषी हो उसे कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए बागेश्वर से जगदीश उपाध्याय की रिपोर्ट।